के पुजारी ने लड़कों को छोड़ो, लड़कियों को छोड़ो, बुजुर्ग महिलाओं को भी छोड़ो, एक बेजुबान को अपनी हवस का शिकार बना डाला, जिसे हमारे देश में गौ माता कहा जाता है। मानवता को बेहद शर्मसार करने वाली ये खबर संज्ञान में आई है महोबा के थाना खरेला से, जहां थाना खरेला की सरकारी गाड़ी चलाने वाले एक ड्राइवर ने निजता की सारी हदें ही पार कर दी और भारत में गोमाता कहे जाने वाली गाय के साथ दुष्कर्म किया। पूरे मामले में गाय के मालिक गुलाब सिंह के बेटे और ग्रामीणों का कहना है कि इस मामले में पुलिस ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार तक नहीं किया था। आपका क्या नाम है और ये क्या सच्चा मामला है? ये मेरा नाम रवि है और ये मेरे चाचा की जो गाय थी, तो ये पुच्ची शर्मा नाम का लड़का, उसके साथ में उनके साथ में बलात्कार किया गौ माता के साथ में, और उसके उसको लाठी भी डाल दी, बल्कि गाय गंभीर है और अस्पताल में है, पर यहाँ पे अस्पताल में कोई आया नहीं अभी तक, और उसमें गाय के साथ में कुछ नहीं की हुआ अभी, तो इलाज नहीं हुआ, नहीं अभी इलाज नहीं हुआ। डॉक्टर को फोन किया था? हाँ, डॉक्टर को फोन किया था और हम और वो कह रहा था कि हम आ रहे हैं आधा घंटे एक घंटे, हम लोग एक डेढ़ घंटे से वहीं पे बैठे थे, पर वहाँ पे कोई नहीं आया, और हम लोगों को गाय के लिए वो इंसाफ चाहिए हम लोगों को, और मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए और उसे सजा मिलनी चाहिए। क्या नाम है और ये गाय के साथ आपने ये कैसा हादसा हुआ है? मेरा नाम गुलाब सिंह और मैं खरेला का रहने वाला हूँ, थाना खरेला। ये गाय के साथ कैसा क्या हो गया आपका? इसमें रस्सी बांध के रात में इसने 2 बजे रात में इसने काम किया। इसने ये पुच्ची ने किया। किस कास्ट का है ये? भाट पंडित है। करता क्या है ये? दरोगा जी की गाड़ी चलाता साहब ये, और मेरे पास सब सबूत मिला, मोबाइल मिला, पेंट इतने उतरा मिला मुझको, यही जगह पे मिला मुझको। सारे सबूत कहाँ है? सब दरोगा जी लगे बोले मोबाइल दे दो और जितने ताकत हो वो हमको दे दो, और चाबी भी गाड़ी की थी दरोगा जी की, तो दरोगा जी ने स्वयं हमसे 4 आदमी में देख के मैंने उसको चाबी दी साहब। मैंने आप पुलिस स्टेशन गए? गए थे साहब। क्या मिला आपको आश्वासन वहाँ से? उन्होंने रिपोर्ट लिख ली थी और उन्हें कह रहा था जाओ बस, और गाय को अपने दिखाओ जाते हैं। अभी तक साहब कोई नहीं आया। गाय की हालत कैसी है? बहुत गंभीर है, बहुत ना खाती है, ना पानी पीती है, ना रोटी खाती है। डॉक्टर को फोन किया? अब फोन किया तो वो आता नहीं, अभी आया नहीं, अभी डॉक्टर भी नहीं आ रहा। हाँ, ना डॉक्टर आया ना कोई आ रहा, और 1 बजे यहाँ साहब वो अभी आया नहीं वहाँ। फिलहाल खबर मीडिया के संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने आखिरकार आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस हैवान ड्राइवर को जेल भेजने की पूरी पक्की तैयारी भी कर ली है। वहीं गाय की हालत गंभीर देखते हुए गांव वालों में भी काफी रोष व्याप्त है और उनका कहना है कि यदि ऐसी घटनाओं पर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आगे उच्च अधिकारियों तक भी इस मामले को ले जाया जाएगा। आपके पास एक गांव वाला केस आया हुआ है, इसी ग्राम के रिजल्ट चले गए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये अभी तो ये पहली नजर में देखने में यही लग रहा है कि गाय को किसी मजबूत चीज जैसे कि डंडा है, रॉड है, कुछ भी है, इससे उसको जबरदस्ती घुसाया गया है, जिससे उसकी भेजाने में काफी चोट आई हुई है। हालत अभी ठीक है, बाकी इसका उपचार चल रहा है, वो काफी ही रही है, उसको दर्द है अंदर से, तो इसका उपचार चलेगा। महोबा से सीनियर संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। तो इस खबर को सुनने के बाद हमने ये जाना कि किस तरह से एक हवस के पुजारी ने अपनी हवस को शांत करने के लिए एक गाय को अपनी हवस का शिकार बना डाला। जानना होगा कि इस पूरे मामले में आगे की कार्यवाही में क्या नतीजा आता है। पर फिलहाल इस स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए।